में मैं हूं उस्मा आरिफ। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज हेडलाइंस। कैनेडा में आने वाले महीने माशी लिहाज से अच्छे नहीं होंगे। अमेरिका समेत दुनिया के दीगर ममालिक में भी माशी हालात ख़राब हो सकते हैं। कैनेडियन वजीर ख़जाना का कहना है कि कमज़ोर तबके की मदद के लिए इकदाम करेंगे। फ्रीडम कॉन्वॉय मुजाहरों के दौरान हुकूमतें एक पेज पर नहीं थीं। कैनेडियन वजीर आजम हुकूमतें अपनी सलाहियत के मुताबिक काम नहीं कर रही थीं। ऑन्टेरियो के प्रीमियर का कहना है कि वजीर आजम के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। कैनेडा अमेरिका बॉर्डर पर भारतीय खानदान की हलाकत का मामला। RCMP सजा याफ्ता और मुबैना इंसानी स्मगलर से मुतालिक तफ्तीश कर रहा है। भारतीय शहरी मुख्तलिफ जराइम में अमेरिका में सजा का सामना कर चुका है। रूस में शामिल होने वाले यूक्रेनी इलाकों में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया गया। रूसी सदर का कहना है कि सलामती को यकीनी बनाने के लिए इकदाम कर रहे हैं। हम अपनी सरजमीन का पूरी ताकत से दिफा करेंगे। बरतानिया में सियासी बहरान एक बार फिर बढ़ने लगा। वजीर खजाना के बाद वजीर दाखिला ने भी अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। कंजर्वेटिव पार्टी की अक्सरियत लेस ट्रस के इस्तीफे की ख्वाहिशमंद। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। लॉन्ड्री इज नो लॉन्गर अ हैसल। Just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. कनाडा की वजीर खजाना क्रिस्टिया फ्रीलैंड ने कैनेडियन को एक इंतबाह जारी किया है कि माशी लिहाज से आने वाले महीने अच्छे नहीं होंगे। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा की वजीर ख़जाना क्रिस्टिया फ्रीलैंड ने कैनेडियन को एक इंतबाह जारी किया है कि मौशी लिहाज से आने वाले महीने अच्छे नहीं होंगे, क्योंकि बढ़ती हुई सूद की शरह एक बार फिर मईशत को सुस्त कर देती है और कुछ लोगों को उनकी मुलाजमतों से निकालने पर मजबूर करती है। फ्रीलैंड ने कहा कि बैंक ऑफ कैनेडा की जानिब से आसमान को छूती महंगाई पर काबू पाने के लिए हालिया शरहों में इजाफा कारोबारों और सार्फिन के लिए यकसा तौर पर कर्ज लेने की लागत में इजाफा करेगा, जिससे पूरी मईशत में सदमे की लहर आएगी। एक कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए फ्रीलैंड ने कहा कि वो कैनेडियन के साथ उन रुकावटों के बारे में ईमानदार होंगी जो आगे हैं और बेरोजगारी और रहन की बुलंद शरहों के खतरे के बारे में ऐसी पेशरफ जो बहुत से घरानों को नुकसान पहुँचा सकती है। फ्रीलैंड ने कहा कि हमारी मईशत सुस्त हो जाएगी, ऐसे लोग होंगे जिनके रहन की शरह बढ़ जाएगी, कारोबार अब उरूज पर नहीं रहेंगे, हमारी बेरोजगारी की शरह अब रिकॉर्ड कम नहीं रहेगी, कनाडा में भी ऐसा ही होगा, अमेरिका और दुनिया भर की बड़ी और छोटी मईशतों में ऐसा ही होगा। बैंक ऑफ कनाडा दूसरे मरकजी बैंकों की तरह बशमूल US फेडरल रिजर्व इस साल कीमतों में इस्तेहकाम कायम करने और अपने 2% अफराते ज़र के हदफ को हासिल करने के लिए शरहों में जारहाना इजाफा कर रहा है, लेकिन इसने करीब तरीन कैनेडियनों के लिए इमदाद का वादा किया जिन्हें खाने और किराए की कीमतों में अचानक इजाफे का सबसे ज्यादा खतरा है। फ्रीलैंड ने बिल C-30 की मंजूरी की तरफ इशारा किया। कम आमदनी वाले घरानों को अदा किए जाने वाले GST क्रेडिट को आर्जी तौर पर दोगुना करने के लिए हुकूमती कानून। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने एतराफ़ किया है कि फ्रीडम कॉन्वॉय मुजाहरों को ख़त्म करने की कोशिश में मुख्तलिफ सतहों की हुकूमतें हमेशा एक पेज पे नहीं थीं। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने एतराफ़ किया है कि गुज़िश्ता मौसम सरमा में ऑटावा और मुतअद्दिद बॉर्डर क्रॉसिंग में बड़े पैमाने पर होने वाले मुजाहरों को ख़त्म करने की कोशिश में मुख्तलिफ सतहों की हुकूमतें हमेशा एक ही सफ़े पर नहीं थीं, लेकिन उनका कहना है कि अहम बात यह है कि आखिरकार शहर सूबे और वफाकी हुकूमत के दरमियान इत्तेहाद हुआ, जिसमें फरवरी के वस्त में वफाकी एमरजेंसी एक्ट नाफिज करने का फैसला भी शामिल है ताकि हफ्तों से जारी इस अमल को ख़त्म किया जा सके। ट्रूडो ने कहा कि काफिले के सामने आने के दौरान यकीनन ऐसे लम्हात थे जब हुकूमतें इतनी मजबूती से काम नहीं कर रही थीं जितना उन्हें होना चाहिए था।
लेकिन अहम बात यह है कि हम सब एक साथ खड़े हुए और ऑन्टेरियन और कैनेडियन को पहले रखा और हमने सूरत हाल को हल किया। उनके तबसरे फेडरल एमरजेंसी एक्ट के इस्तेमाल के बारे में अवामी इंक्वायरी के एक दिन बाद सामने आए हैं, जिससे ये मालूम होता है कि काफिले में तकरीबन 10 दिन गुजरे थे। ट्रूडो ने ये नहीं सोचा था कि ऑन्टेरियो के प्रीमियर डग फोर्ड इसको ख़त्म करने में मदद के लिए हाजिर हो रहे हैं। फोर्ड की ऑटावा में ट्रूडो के साथ एक गैर मुतालिका मीडिया प्रोग्राम में शिरकत के बाद रिपोर्टर ने वजीर आजम से पूछा कि क्या वो वफाकी हुकूमत के एमरजेंसी एक्ट को लागू करने के फैसले से मुत्तफिक हैं। डग फोर्ड ने जवाब दिया कि वो इस फैसले पर वजीर आजम के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं और एहतजाज के बैन अल-अक़वामी तजारत में खलल और ओटावा के रहायशियों की जिंदगियों को नाकाबिले कबूल करार दिया। एमरजेंसी एक्ट के इस्तेमाल की जांच करने वाली अवामी इंक्वायरी गुज़िश्ता हफ्ते शुरू हुई थी। ये इस बारे में एक रिपोर्ट पेश करेगा कि आया हुकूमत को वैक्सीन मुखालिफ मैंडेट के मुजाहरों को रोकने के लिए पहले कभी इस्तेमाल ना किए गए कानून को मुतहरिक करने का जवाब था, जिसने फरवरी में ओटावा के शहर के मरकज़ को अपनी गिरफ्त में ले लिया था और कुछ सरहदी गुजरगाहों तक फैल गया था। RCMP जनवरी में अमेरिका कनाडा सरहद पर एक हिंदुस्तानी ख़ानदान की मौत के सिलसिले में एक सज़ा याफ्ता धोखेबाज और मुबैना इंसानी स्मगलर से मुतालिक तफ्तीश कर रहा है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। RCMP जनवरी में अमेरिका कनाडा सरहद पर एक हिंदुस्तानी ख़ानदान की मौत के सिलसिले में एक सज़ा याफ्ता धोखाबाज और मुबैना इंसानी स्मगलर से मुतालिक तफ्तीश कर रहा है। पटेल ख़ानदान की दरिया जो अमरीकी सरहद से महज चंद मीटर के फासले पर मुर्दा हालत में हुई थी, जिनकी लाशें जमी हुई थीं। इस वाक़े ने इंसानी स्मगलिंग की कार्रवाइयों पर रोशनी डाली, जिसमें हिंदुस्तानी तारिकीन वतन कैनेडा को गैर कानूनी तौर पर जनूबी इलाके को अबूर करने से पहले रुकने के तौर पर इस्तेमाल करते थे, लेकिन उनकी मौत के 9 माह बाद RCMP ने अभी तक ख़ानदान के सरहद तक सफ़र के बारे में बुनियादी तफसीलात कायम नहीं की हैं और वो एक मुलजिम इंसानी स्मगलर की तलाश में है जो रियासत वाशिंगटन में काम कर रहा था। अमरीका में गैर कानूनी तौर पर मुकीम 48 साल हिंदुस्तानी शहरी राजेंद्र पाल सिंह को इससे कबल बैंक फ्रॉड और जाली दस्तावेजात बनाने का मुजरिम करार दिया गया था। इसे 4 साल की तफ्तीश के बाद अमरीकी होमलैंड सिक्योरिटी के खसूसी एजेंट्स ने मई में रियासत वाशिंगटन में गिरफ्तार किया था और इस पर पैसा कमाने के लिए बाज़ गैर मुल्कियों को नकल व हमल और पनह देने की साजिश का इल्ज़ाम आयद किया गया था। अमरीकी इस्तगासा ने इल्ज़ाम लगाया कि सिंह इस नेटवर्क का हिस्सा था जो ब्रिटिश कोलंबिया की सरहद पर हिंदुस्तानी तारिकीन वतन को स्मगल करता था। रूस के सदर प्यूटिन ने रूस में शामिल होने वाले 4 यूक्रेनी इलाकों में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया। यूक्रेन और यूरोपीय ममालिक ने रूस के इकदाम की शदीद मजम्मत करते हुए कहा था कि रूसी इकदाम को तस्लीम नहीं किया जाएगा। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। रूस के सदर प्यूटिन ने रूस में शामिल होने वाले 4 यूक्रेनी इलाकों में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया। यूक्रेन और यूरोपीय ममालिक ने रूस के इकदाम की शदीद मजम्मत करते हुए कहा था के रूसी इकदाम को तस्लीम नहीं किया जाएगा। बैन अल-अक़वामी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सदर प्यूटिन ने रूस में शामिल होने वाले यूक्रेनी इलाकों में मार्शल लॉ के निफाज का सदारती हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए हैं। गुज़िश्ता माह खैरसून, ज़ापोरेज़िया, डोनेत्स्क, लुहान्स्क ने रूस से इल्हाक किया था। सदर प्यूटिन ने यूक्रेन के 4 इलाकों को रूस में जम करने के मुआहदों पर दस्तखत किए थे। रेफरेंडम के बाद रूस ने यूक्रेन के 15% इलाके को अपनी हदूद में शामिल किया था। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने मगरिब को खबरदार करते हुए कहा था कि हम अपनी सरजमीन का पूरी ताकत से दिफा करेंगे। मास्को के जेरे इंतजाम 4 इलाकों के लोग हमेशा के लिए हमारे शहरी बन गए हैं। रूसी सदर पुतिन ने इस हवाले से कहा कि रूस में जम होने वाले 4 इलाकों में मार्शल लॉ नाफिज किया जा रहा है। यूक्रेनी हुकूमत ने आवाम की मर्जी को तस्लीम करने से इनकार कर दिया। उन्होंने मजीद कहा कि यूक्रेनी हुकूमत ने मुज़ाकरात की हर तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया। यूक्रेन दहशतगर्दी के तरीके इस्तेमाल कर रहा है, गोलियां चल रही हैं, शहरी मर रहे हैं। दूसरी जानिब ईरानी ड्रोन कंपनी और फौजी अफसरों पर पाबंदी यूक्रेन जंग में मुबैना तौर पर ड्रोन फराहम करने के इल्ज़ाम पर लगाई गई है। यूक्रेनी फौज का दावा है कि 13 सितंबर से अब तक 220 से ज्यादा ईरानी साख्ता ड्रोन गिराए जा चुके हैं। ईरानी फौजियों और कंपनी को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है और उन पर सफरी पाबंदियाँ आयद करने के साथ असासे भी मुंजमद कर दिए गए हैं। बरतानिया में सियासी बहरान एक बार फिर बढ़ने लगा है और वजीर ख़जाना के बाद वजीर दाखला ने भी अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है। दीगर अहवाल इस रिपोर्ट में।
برطانیہ میں سیاسی بحران ایک بار پھر بڑھنے لگا اور وزیر خزانہ کے بعد وزیر داخلہ نے بھی اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ برطانوی کنزرویٹو پارٹی کی اکثریت چاہتی ہے کہ وزیر اعظم لیز ٹرس اب مستعفی ہو جائیں۔ برطانوی میڈیا کے مطابق نامنتخب وزیر اعظم اپنی کارکردگی سے جماعت کو متاثر نہیں کر سکیں۔ رپورٹ کے مطابق 63% ارکان پارلیمنٹ بورس جانسن کے دوبارہ وزیر اعظم بننے کے حق میں ہے۔ برطانوی میڈیا کے مطابق وزیر داخلہ سویلا برورمن نے 6 ہفتے قبل ہی وزیر داخلہ کا عہدہ سنبھالا تھا، تاہم امیگریشن معاملے اور ان کے اور وزیر اعظم کے لیز ٹرس کے خیالات میں اختلاف رائے پایا جاتا ہے۔ برطانوی وزیر اعظم لیز ٹرس نے سویلا برورمن کی جگہ گرانٹ شاپس کو نیا وزیر داخلہ مقرر کیا ہے۔ واضح ہے کہ گزشتہ دنوں برطانوی وزیر اعظم لیز ٹرس نے غلط معاشی فیصلوں پر برطانوی عوام سے معافی مانگی تھی۔ اس موقع پر انہوں نے اپنے مخالفین کو واضح پیغام دیتے ہوئے کہا تھا کہ ان کی رخصتی چاہنے والے اراکین کو بتا دوں کہ میں کہیں نہیں جا رہی۔ رپورٹ کے مطابق 1.5 ماہ قبل وزیر اعظم بننے والے لیز ٹرس کو مشکل معاشی صورتحال کا سامنا ہے، جبکہ دوسری جانب اپنی ہی پارٹی کنزرویٹو کے ارکان بھی ان کو نکالنے کی تیاری کیے بیٹھے ہیں۔ ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپ ڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے ٹیک ٹی وی۔